हेलो व्यूवर्स, वैष्णव भंडारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रॉबेरी केक। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे केक टिन। उसमें मैंने एक वाइट पेपर रख लिया है, उसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऐसा करने से हमें बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा बटर पेपर तैयार हो गया है, होममेड। और अब हम इसे रख देंगे साइड में। एक बाउल में मैंने स्ट्रेनर ले लिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं आधा कप मैदा। ग्राम में यदि आप देखेंगे तो ये 60 ग्राम मैदा है। और जितना हमने मैदा लिया है उससे आधा चीनी पाउडर लूँगी मैं। यहाँ एक चम्मच मिल्क पाउडर ले लेंगे। यदि आप मिल्क पाउडर की जगह कंडेंस मिल्क लेना चाहें तो एक चम्मच उसे भी डाल सकते हैं इसमें। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और एक पिंच नमक। इसे हम अच्छे से छान लेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे चम्मच से। इसे मिक्स करने के बाद मैं यहाँ ले रही हूँ आधा चम्मच ऑयल। ये 7.5 ml का है चम्मच। उसी चम्मच से मैं एक चम्मच विनेगर ले रही हूँ। आप जो डेली यूज करते हैं उसे भी एक चम्मच डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ इस चम्मच से 6 चम्मच लूँगी पानी और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। आज मैंने कोई हैंड विस्कर भी नहीं यूज किया है, चम्मच से ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पूरा मैंने 6.5 चम्मच इसमें पानी डाला है, उसमें ही मेरा बैटर बनकर तैयार हो गया है केक का। ये जो केक हमारा है ये वेट में है 250 ग्राम के लगभग में है। ये देखिए इतना ही थिक चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ये कच्चा रह जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी एसेंस। इसमें मैंने अभी कोई भी कलर नहीं डाला है, मैं बिना कलर का इसे बना रही हूँ। आप चाहें तो इस समय में पिंक कलर डाल सकते हैं। और अब हम इसे डाल देंगे केक टिन में और 2 से 3 बार इसे टैप कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाएगी। और एक कढ़ाई को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, उसमें स्टैंड भी रख लिया है 5 से 10 मिनट पहले। और उसे हम अच्छे से ढककर कम से कम 20 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं एक बार। उस समय ये कच्चा था, मैं इसे फिर से 5 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। 25 मिनट, ये देखिए अभी ये रेडी हो चुका है। इसे मैंने ठंडा कर लिया है कम से कम 1 घंटा के लिए। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट स्पंजी हमारा केक बनकर तैयार है। अब मैं इसके 2 पीस कर रही हूँ। मैंने इसे 2 लेयर में कट कर लिया है, आप चाहें तो इसका 3 लेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत जालीदार, बहुत सॉफ्ट स्पंजी बना है, आप देख सकते हैं। मैंने इसका नीचे क्रीम थोड़ा सा लगा दिया था। अब 1 लेयर रख के उसमें मैं शुगर सिरप इसमें लगा रही हूँ, 2 चम्मच पिसा हुआ चीनी और 1/4 कप मैंने पानी इसमें यूज किया है शुगर सिरप बनाने के लिए। मैंने इसमें चम्मच से अच्छे से शुगर सिरप डाल दिया है। शुगर सिरप अच्छे से डालेंगे तो केक जो है काफ़ी सॉफ्ट बनता है। और उसमें अब मैं व्हिप क्रीम मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से हम सभी जगह पर फैला लेंगे। और स्ट्रॉबेरी क्रश मैं यहाँ डाल रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से फैला लेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अब सेकंड वाला जो लेयर है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने सेकंड में नीचे का जो हिस्सा था उसे डाला है ताकि जो ऊपर से हमारा केक है प्लेन दिखे। अब हम थोड़ा थोड़ा सा क्रीम ले लेंगे। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा क्रीम को मैं सभी साइड में फैला लूँगी
एक ही बार हमें ज़्यादा क्रीम यूज नहीं करना है, और थोड़ा सा क्रीम इसमें लगाकर यदि हम ऐसा करते हैं तो जो केक का जो क्रम्स है वो ऊपर नहीं आता है। अब मैं उसमें अब थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम ले रही हूँ, और अब ये देखिए नाइफ़ की सहायता से थोड़ा सा आगे पीछे करके यदि हम लगाते हैं तो क्रीम जो है बिल्कुल अच्छे से लग जाता है। और अब हम इसे प्लेन कर लेंगे। ये देखिए नाइफ़ जो है हमें बिल्कुल सीधा पकड़ना है, और जब थोड़ा सा ये इसे हम चलाएंगे उसके बाद हमें एक कपड़ा रखना होगा, कपड़े से हम साथ के साथ पोंछते जाएंगे, या आप कोई बर्तन भी रख सकते हैं जिसमें आप क्रीम को पोंछ सकें। ये देखिए केक हमारा प्लेन हो गया है, और थोड़ा सा हम इसे अच्छे से प्लेन कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास कार्ड है, अब हम इससे अच्छे से जल्दी से प्लेन कर लेंगे। ऊपर साइड में भी जो थोड़ा बहुत रह गया है, याद रहे जब भी हम जैसे साइड से करते हैं तो पूरा हमें लास्ट तक ले जाना है, यदि हम बीच में छोड़ देंगे तो हमारा जो केक है वो अच्छे से प्लेन नहीं होगा। अब मैंने नाइफ में ले लिया है रेड कलर, उसे मैं साइड साइड में लगा रही हूँ, इससे हमारा डबल कलर का केक तैयार हो जाएगा। और फिर से हम कार्ड की सहायता से कलर को फैला लेंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा क्रीम ले लिया है मैंने, उसमें रेड कलर मिला दिया है, ये जेल कलर है, केक के लिए सबसे अच्छा यही होता है जेल कलर। और इसे हम हल्का सा मिलाएंगे, पूरा हमें मिक्स नहीं करना है जिससे कि दो कलर इसमें से बाहर आए। आप चाहें तो दो कलर भी जैसे कि पूरा रेड कलर कर सकते हैं और वाइट मिक्स करके उसे भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर बनता है। अब मैंने यहाँ स्टार नोजल ले लिया है और पाइपिंग बैग में इसे डाल दिया है, और हम यहाँ अब रोज बना लेंगे। बहुत सिंपल सा ये देखिए मैंने इसमें बनाया है, और अब साइड साइड में हम स्टार बना लेंगे। केक हमारा बनकर रेडी है, अब नीचे जो बॉर्डर है उस पर भी हम स्टार बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ एक एक सिल्वर बॉल सभी फूल में डाल दिया है, इससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं सामने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और टेस्टी केक हमारा बिल्कुल रेडी है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और प्लीज़ 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 एक लाइक तो बनता है यदि केक पसंद आया है तो। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।